शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हमारे और तुम्हारे बीच बस एक ही रिश्ता है गौरव। आप इस घर के मालिक हो और अब इस घर की नौकर। आपने पति तो पा लिया, लेकिन प्यार कैसे पाओगी उर्वशी मेरा? उर्वशी चौधरी जो चाहती है वो पाकर ही रहती है, और आज रात तुम देखोगी कैसे धीरे धीरे दिन ब दिन मेरा पति मेरे प्यार में पागल होता है। तुम देखोगी कैसे मैं और मेरा पति करीब आते हैं। शादी हमने प्रिंस और आपकी इज्जत बचाने के लिए की है, इससे ज्यादा हमारे लिए इस शादी के कोई मायने नहीं है, और ना ही आप हमसे कोई उम्मीद रखिएगा। जब तक सब कुछ असलियत में नहीं हो जाता ना, तब तक ये दिखावा ही सही, जो कि बहुत जल्द असलियत में बदल जाएगा। इन्फॉर्मेशन मिली है ललन सिंह की पार्टी ऐसी बात फैला रही है कि आपकी बेटी का बेटा नाजायज है, और आपने अपनी बेटी की करतूतों को छुपाने के लिए अपने ही ड्राइवर को बलि का बकरा बना दिया, और अब हालातों को काबू में करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि जनता हमारे खिलाफ तके और सामने वाली पार्टी को वोट दे। कल हम अपने घर में जमाई पूजा रखवा रहे हैं, सारे न्यूज चैनल वालों को बुलाओ, उसके बाद अपने आप ऑपोजिशन वालों का मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है? सुधा, पहले ही इस घर में बहुत तमाशा हो चुका है, कल अगर कुछ भी ठीक से नहीं हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कल की सारी जिम्मेदारी हम तुम्हें दे रहे हैं, तो ध्यान रख। उर्वशी, ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारी आने वाली जिंदगी को मैं कांटों से भर दूंगी। गहना! ये सब हमने नहीं किया है। तो किसने किया है? इस रूम की सारी डेकोरेशन, सारी सजावट तुमने ही की है ना? हाँ, लेकिन और अब इस कांटों के बिस्तर पर तुम ही सोओगी। मालिक, जब गलती हमने की तो सजा भी हम ही भुगतेंगे। Thank you.
दोबारा मत करना। मालिक, हम खुद कर लेंगे। हमें रहने दो गौरव, इसे इसके हाल पर छोड़ दो, ये खुद कर लेगी। आज से हमारा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। अब हमारे और तुम्हारे बीच बस एक ही रिश्ता है गौरव। आप इस घर के मालिक हो और हम इस घर की नौकर। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि यह शादी हमने मजबूरी में की है, अपने मन से नहीं। देखिए, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर आपको उस नजर से कभी नहीं देख पाएंगे। हम मानते हैं आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम आपके एहसानमंद भी हैं, पर यह शादी हमने आपकी इज्जत और प्रिंस को बचाने के लिए की है। हम कभी आपको पत्नी का दर्जा नहीं दे पाएंगे। मैडम, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी गौरव? ये शादी चाहे किसी भी हालात में हुई हो, लेकिन ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की है गौरव। मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था, और अब जब शादी हो ही गई है तो फिर मुझे एक पत्नी का हक क्यों नहीं मिल सकता? और मेरी क्या गलती है? सिर्फ इतनी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ गौरव। जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया है अपनी जिंदगी में रंग भरने का, और ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती। मैं दिल से एक्सेप्ट करना चाहती हूँ उसे, लेकिन तुम होगी गौरव, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे इतने पास रहकर इतने पास ले मत बढ़ाओ मैडम। जब हम आपसे कह चुके हैं कि हम आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो ये फासले की बात कहाँ से बीच में आ गई? गौरव, ये तुम्हें ये गहना गौरव और मेरे बीच में से चली क्यों नहीं जाती? ये गौरव को गहना से इतना क्या लगाव है जो गहना के लिए अपने आप को इतनी चोट पहुंचाता है? नहीं 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 नहीं, नहीं उर्वशी, ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये सिर्फ दोस्ती हो ही नहीं सकती। ये गहना और गौरव के बीच में जरूर कोई और रिश्ता है, और इस रिश्ते के बारे में तुम्हें पता करना होगा। इतनी आसानी से उस गहना को अपनी खुशियों का गला नहीं घोटने दे सकती मैं, नहीं घोटने दूंगी उसे। ये गहना का कुछ करना पड़ेगा मुझे, कुछ करना पड़ेगा। गौरव, कल सुबह हमने जमाई पूजा रखवाई है, तैयार रहना। ये शादी हमने मजबूरी में की है, ये सब रस्में हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम उन्हें इस शादी में कैसे निभा सकते हैं जिसे हम मानते ही नहीं है? बेईमानी होगी साहब। और अब हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। भूल गए क्या कहा था? देखिए साहब,
आपकी इज्जत की खातिर हमने आपकी हाँ में हाँ मिलाई, पर ये रिश्ता हम नहीं निभा पाएंगे। हम आपकी बेटी उर्वशी से प्यार नहीं करते हैं। तुमको दामाद क्या बोल दिया, तुम तो सिर पर चढ़ गए, हमारे सामने मुंह खोल रहे हो। इतनी हिम्मत तुम्हारी, अपनी औकात भूल गए? जो कहते हैं चुपचाप करते जाओ, वरना जिस माँ को खुशी खुशी गांव की बस में भेजा है ना, वो अपने घर नहीं पहुंच पाएगी। और जिस गहना की जान के लिए तुमने इतने पापड़ बेले हैं, उसकी जान हमारे लिए बहुत मामूली है, समझ गए? गौरव, हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। एक कदम हमारे खिलाफ उठाया ना तो गहना की आंखें बंद। इसलिए हमारे खिलाफ जाने से पहले 10 बार सोचना, जो कह रहे हैं चुपचाप करते जाओ, ठीक है? एक बात बता गौरव, तू जब बड़ा हो जाएगा, बड़े शहर में पैसे कमाने जाएगा, तो क्या हमें भूल जाएगा? पागल है, तुम्हारी पक्की वाली दोस्त है, हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा तुम्हारी साई की तरह। देखो ना गौरव, बचपन का घर घर आज से असली का हो गया। गौरव और गहना, ये दोनों मिलके गौना बनते हैं। आज सच में हमारा भी मिलन है, गौना है आज हमारा। शाम को तैयार रहना, तीज की पूजा के बाद ठीक शाम 7 बजे हम तुम्हें एक सरप्राइज देंगे। क्या गजब दादी, आप महादेव, कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी, जिसके लिए हम हमारा सब कुछ राह पर लगा कर यहाँ तक आ गए। हमारा बचपन का एक लौता सपना था, वो आज वही हमारे पास नहीं है। दीदी, हम हार गए, जिंदगी उजड़ गई हमारी महादेव, और अब हम क्या कर दिए? उस घर को छोड़कर अपने गांव वापस नहीं जा सकते। हम गौरव के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने का सपना देख रहे थे, लेकिन जैसे ही आप खुली, हमारे हिस्से में दुख के अलावा कुछ नहीं आया। हम जिंदगी उस मुकाम पर आ गई है महादेव, इस घर में, शहर में हमारी अब कोई आस नहीं बची। हमें गौरव को छोड़ना होगा, हमें ये घर छोड़कर भी जाना पड़ेगा। अब आते हमारी सहायता कीजिए, आपके अलावा आपकी गहना का कोई नहीं है। रास्ता दिखाइए।
हमारा जी बहुत घबरा रहा है। सोगट पर जरूर है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि गौरव पर कोई खतरा है? माते उसे हमारी जरूरत है, उसे हमारी जरूरत है। धन्यवाद गहना, आज फिर से तुमने अपना फर्ज निभाया। तुमने उर्वशी और उसके पति की जान बचा ली। उर्वशी, मुझे जेल भेजकर बचोगी नहीं तुम। मैं तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को मार दूंगा। और अपने बेटे को तुम दोनों का नहीं होने दूंगा। सालिनी को इसकी सही जगह दिखानी पड़ेगी। गौरव, तुम हमारे दामाद हो, फिकर मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। इस आदमी का इलाज तो करना ही पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? कैसा खतरा है ये जिसका संदेश हमें मिला? गौरव की जान को खतरा है? उर्वशी मेन साहब के पहले पति वो गौरव को मार डालना चाहते। महादेव, महादेव गौरव की रक्षा करना। सुनिए, आने वाले हर इंसान पर कड़ी से कड़ी नजर रखना। नियोते के बिना कोई अंदर नहीं आना चाहिए। मिठाइयां तो सारी हमने घर पर ही बनाई है, तो फिर ये मिठाई वाला कौन है? ये मिठाई वाला कौन है हम पता करते हैं। हाँ, काम हो गया है। ये समझ लीजिए सर कि उर्वशी अब खुद अपने हाथों से मिठाई अपने नए पति को खिलाएगी। इसका मतलब हमारा शक सही था। उस आदमी ने इस मिठाई में जहर मिला दी। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।